हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर सोल्टर्स किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चावल और सूजी का नाश्ता। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आपके हाथ पे समय नहीं है तो सुबह आप इसे नाश्ते में भी बनाकर खा सकते हैं। तो इसके लिए इन्ग्रीडियंट्स ले लिए हैं। 1 कटोरी चावल ले लेंगे, 20 कटोरी से नाप के, ये 200 ग्राम है कटोरी। तो चावल हम अरवा चावल लिए है दोस्तों, आप कोई भी चावल का इसे बना सकते हैं। हम इसे अच्छी तरह से धो के 2 घंटा पहले ही भिगो लिए थे। 1/4 कटोरी सूजी ले लेंगे, 1 कटोरी से नाप के ही हमको लेना है। और ये खाने वाला सोडा ले लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ले लेंगे 1/2 टीस्पून, मिर्च पाउडर थोड़ी सी ले लेंगे, सरसों ले लेंगे 1/2 टीस्पून, जीरा ले लेंगे 1/2 टीस्पून, 2 हरी मिर्च ले लेंगे, और यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च को रेत कर ले लिए हैं, और 1/2 कटोरी दही ले लेंगे। इसी कटोरी से दोस्तों हम 1 कटोरी चावल लिए हैं और 1/2 कटोरी दही लिए हैं और 1/4 सूजी लिए हैं। चावल अच्छे तरह से फूल गया है, अब इसे हम पीस लेंगे। चावल को मिक्सी जार में डाल लिए हैं, अब यहीं पर हम सूजी को डाल देते हैं और दही को डाल देंगे। अदरक को और हरी मिर्च को भी डाल देते हैं, सभी को हम पीस लेते हैं। देखिए, सूजी और चावल को अच्छी तरह से पीस लिए हैं। इस पेस्ट को बहुत ही स्मूथ पीस लिए है। देखिए, अब एक कटोरी में डाल लेते हैं। देखिए, बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो हम मिक्सी का जार धो के थोड़ा सा बस 1 टेबल स्पून पानी तक दे देंगे। फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीका से। अब यहीं पर हम नमक को डाल देते हैं और नमक को अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। अब ढक के इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 1 गिलास पानी दे देते हैं और यहाँ पर स्टैंड को रख देंगे। खाली से ढक देते हैं। अब 5 मिनट के लिए पानी को उबाल लेते हैं। इस थाली में हम बनाएंगे, अब इसी में हम तेल थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से तेल को लपेट लेंगे। यहीं पर हम ये खाने वाला सोडा है इसे डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और अच्छी तरीका से फेंट लेंगे। देखिए, खाने वाला सोडा से कैसे बबल्स निकल रहा है। अब इसे ज्यादा देर हमें नहीं रखना है और एक ही दिशा में इस तरह से चलाएंगे। सोडा देने के बाद अब ज्यादा देर इसे नहीं रखना है, थाली में डाल लेंगे हम। यहीं पर हम अब थोड़ा सा मिर्चा को डाल देते हैं, जो कि देखने में सो भी आ जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। देखिए, पानी अच्छा तरह से फूट गया है। अब इसे बैठा देते हैं धीरे से। ढक देते हैं।
रख देते हैं और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। चेक कर लेते हैं अब। देखिए हो चुका है, चेक कर लेते हैं। देखिए पूरा प्लेन निकला है। अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेते हैं। नीचे उतार के थोड़ी देर रख लेंगे, ठंडा करेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, साइड से देखिए अपने आप ही छूट रहा है। फिर भी हम इस तरह चाकू से इसे काट लेते हैं ताकि साइड का छूट जाए। ये बहुत जल्दी झटपट बन भी जाता है दोस्तों, और इससे पेट भी भर जाता है। अगर सुबह के समय या शाम के समय आपके खाने का मन करे तो आप ये झटपट बना सकते हैं। चलिए अभी इसे कट कर लेते हैं। देखिए एक तरफ से कट कर लिए हैं, इसे घुमाकर अब इधर से भी कट कर लेते हैं। चलिए एक पीस हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए 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 कितना स्पंजी हुआ है, पूरा छेद छेद दिखाई दे रहा है। देखिए बड़े चम्मच में 2 टीस्पून तेल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम जीरा को डाल देते हैं, सरसों को डाल देंगे। अब गैस का लो को हम बंद कर देते हैं, पर अब हरी मिर्च को हम डाल देते हैं गैस बंद करके। तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी सूखी मिर्च, मतलब मिर्च पाउडर है, उसे डाल देते हैं। इसे इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए सूजी और चावल का नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और इस तरह नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हमें कॉमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।